तो भैया स्वागत है सभी बालक बालिकाओं, लौंडे लौंडियों, छोरे छोरियों, निब्बा निब्बियों का सुमित 007 में हमारे ऊपर बैठे और उनके ऊपर थोड़ा सा और देखो तो भैया मैं आपके ऊपर बैठा हूँ। हाँ तो मैं कहता हूँ सुमित 007 मेरे ऊपर बैठे भाई, जबरदस्ती मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं चढ़ाना नहीं चाह रहा पर जबरदस्ती चढ़ा ठीक है। और उनके ऊपर आप थोड़ा सा नजर और ऊपर के लेके जाए तो वहां पे आपको दिखेंगे डॉक्टर मुस्तफा एंड मिसेज मुस्तफा एंड स्टेफनी मैडम भी कह सकते हैं आप उनको। पर जैसा कि आपने सुमित के चैनल पे देखा भाई साहब, बहुत खतरनाक लठ बजाओ प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पे, एकदम 3 स्टार के झटके धनाधन चल रहे हैं हर बेस के ऊपर भाई, कोई बंदा अपना घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, सब एक दूसरे को भाई पेलम पाली में लगे हुए देख रहे हैं, भाई मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, अरे सब में भाई मैं बहुत घबराया हुआ, मेरा टैग ना फेल हो जाए गलती से तो देखने वाली बात होगी भाई, सेम चैलेंज अभी रिपीट होगा वापस यहाँ पे, डॉक्टर मुस्तफा साहब एफसी पोस्ट करेंगे, स्टेफनी पोस्ट करेगी, मैं पोस्ट करूंगा एंड सेम सुमित पोस्ट करेगा, और देखने वाली बात होगी कि यहां से अब भाई मार्केट में कौन आगे धुम्मा उठा पाए। तो पहले चैलेंज में हम लोगों ने देखा राउंड नंबर 1 में जहां पे सभी लोगों का टीम मोगिया एंड सुमित वर्सेस टीम मिस्टर एंड मिसेस मुस्तफा स्कोर जो है वो इक्वल है। अभी राउंड नंबर 2 है, राउंड नंबर 2 में क्या होगा वो आप लोग पूरी वीडियो देखनी है तब पता चलेगा। एंड राउंड नंबर 3 वो होने वाला है मिस्टर एंड मिसेस मुस्तफा यूट्यूब चैनल के ऊपर, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फिलहाल राउंड 2 हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि राउंड 3 में क्या होने वाला है। जैसा कि आपने देखा पिछले राउंड में सुमित के चैनल पे हर एक बंदे ने, चाहे वो आप हो, चाहे वो स्टेफनी मैडम हो, चाहे सुमित हो, चाहे मैं हूं, 3 स्टार के झटके बजा दिए सबने। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जब ये चैलेंज दोबारा होने वाला है यहाँ पे, क्या लगता है आपको? हमारे 3 स्टार का तो लोगों को पता है गलती कर सकते हैं ना, डॉक्टर साहब ओपन चैलेंज दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर जूस को बुला लूंगा, अभी मेरा मूड खराब हो रहा है कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, हम देख लेंगे, पिछली बार भी हमने आपका जवाब 3 स्टार के साथ दिया और आज भी मार्केट में जान बाकी है। तो भाई साहब यहाँ पे अटैक चालू हो चुका है स्टेफनी मैडम का वापस से सुमित के ऊपर, और इस बार भाई देखो अटैक कौन से आर्मी से होने वाला है, भाई साहब खतरनाक आर्मी है सुमित भाई साहब, ये इस आर्मी से मुझे बहुत डर लगता है, दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी में से एक आर्मी है, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट आर्मी है सीखने के लिए, ये सीखने के लिए 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। फिलहाल स्टेफनी मैम अटैक कर रहे हैं हमारे बेस के ऊपर, 2 आइस हाउंड्स लेके आए हैं, अभी देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं। बिल्कुल सुमित बहुत खतरनाक आर्मी है और उतना ही मुश्किल इस आर्मी को एग्जीक्यूट करना भी है, बट भाई जो इस बंदों का या बंदी का इस आर्मी के ऊपर कंट्रोल आ गया तो समझ लो वो अच्छे अच्छे बेसिस के ना कंट्रोल उखाड़ देंगी। और जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर की तरफ स्टेफनी मैडम की पलके भी नहीं झपक रही है, इतना ध्यान से बेस को घूर घूर के देख रही है, मुझे लग रहा है घूर घूर के 3 स्टार मार देंगी एंड यहाँ पे एक बॉलर भी लिया था, अच्छी बात ये है बॉलर तो स्टेफनी मैडम को तो प्रैक्टिस है बहुत सारे ऐसे टाइप के बेसिस के ऊपर अटैक करने की, एंड उस हिसाब से मेरे हिसाब से वो वैल्यू इनको मिल नहीं पाई है जो मिलनी चाहिए थी, स्कैटर और ये नहीं मिल पाया इनको एक्सवो। सुमित बॉलर ने भट्टा स्पिन बॉल कराने की कोशिश करी पर जो विजार्ड टावर था आपने आपका उसने भाई तुरंत ही उसका जो क्या कहते हैं किल्लियां पाड़ दी भाई लेकिन स्टिल इतना सब कुछ होने के बावजूद ये जो अटैक है ईगल मिल चुका है, 30% की वैल्यू बस हीरोज के साथ निकाली है, तो अभी आगे का अटैक लावल उनके साथ स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सुमित डिप्लॉयज आप ध्यान से देखो तो अभी आपके जो बेस है इस बेस के ऊपर मल्टी टारगेट इन्फर्नोज नहीं है और आप इस अटैक को देख रहे हो उस तरीके से ब्लिजार्ड लावालून की तरह, लेकिन ये ब्लिजार्ड लावालून नहीं है, जो सुई लावालून होता है ना वो 60-70% का जो बाकी जो डैमेज होता है वो अकेले देने का दम रखता है विदाउट आपके हीरोज के बिना, इसी यही इस अटैक की खासियत है। तो सुमित अगर आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू ना भी आए उससे लावा आपके हीरो वाले पार्ट से तो भाई जो बाकी का पार्ट होता है ना ये वो ध्वस्त कर देता है मार्केट में से निस्तो नाबूद कर देता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो सुमित बहुत ही भयानक किस्म का झटका लगा सुमित को ये क्या बोलूं भाई साहब, ये वाला अटैक ऐसे कैसे 3 स्टार कर दिया, मुझे लगा कि फेल हो सकता है अटैक लेकिन नहीं, ये अटैक एकदम आए 3 स्टार करके चले गए, जैसे कि बाजार में जाके हम लोग कुछ खरीद के लेके आते हैं, एकदम आसानी से 3 स्टार कर दिया इस बेस को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था स्टेफनी मैडम इस तरीके से बेस को घूर रही हैं कि बिना घूर घूर के ही 3 स्टार मार देंगी और अभी 3 स्टार हो चुका फिर भी उसको घूरे जा रही है कोई रिएक्शन नहीं है गुड बाय
तो स्वयं भाई डॉक्टर मुस्तफा साहब को आज हमने यहाँ पे भाई पकड़ रखा, आज गलती से हत्ते चढ़ गए हमारे, और साथ में है स्टेफनी मैडम भी। तो भाई देखो ओनर ही सामने बैठे स्टेफनी कप के, तो बिल्कुल हम इनसे पूछते हैं आज कि भैया क्या क्या प्रोग्राम है आने वाले टूर्नामेंट का, और आने वाले जो टूर्नामेंट है इसका फायदा किस किस को होने वाला है। तो डॉक्टर साहब बताइए कुछ जरा स्टेफनी टूर्नामेंट के बारे में। ओके सो बेसिकली हम लोगों ने स्टेफनी टूर्नामेंट बनाया because you know it's about her and it's about how we met and everything. लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा कि हमने देखा हर वॉक हर टाउनर मतलब तरह के लोग खेलते हैं, for people of all walks of life. हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम लोग मतलब टाउन हॉल 13 तो करता ही है सुपर सेल, लेकिन टाउन हॉल 13 तो एक सेगमेंट है गेम का, बहुत बड़ा भी है लेकिन उतना मतलब देयर आर अदर सेगमेंट्स एज वेल, टाउन हॉल 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, तो उनको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है क्योंकि इट वुड बी मतलब आप एक लार्जर कम्युनिटी को ले रहे हैं, मल्टीपल एज ग्रुप्स को ले रहे हैं। वो एक 13 साल का बच्चा नहीं समझेगा हम लोगों ने क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं लिया जा रहा है जो टाउन हॉल 9 है। यस यस बिल्कुल 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 सही कहा आपने। फीड कर रहे आप एक एस्पेक्ट फीड कर रहे हैं कम्युनिटी का जिसको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं, वो फिर जाके पबजी खेलेगा क्योंकि उसको यहाँ नहीं खेलने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, आप गेम से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। तो इधर जब हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन इस तरह की है तो हम लोगों ने एक लार्जर ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और एक लार्जर ग्रुप को हम लोग हेल्प कर रहे हैं इन इन देयर ओन वे टू स्पेंड टाइम टू बी प्रोडक्टिव इन देयर ओन वे। मतलब बजाय बाहर निकल के उल्टी सीधी चीजें करें, इनको कम से कम देयर हैव एन एवेन्यू टू एक्सपेंड देयर एनर्जी, एक्सपेंड देयर एनर्जी। तो बिल्कुल डॉक्टर, ओके ओके स्टेफनी मैडम कुछ कहना चाहती हैं? यस से 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 They also the future what of Clash of Clans. She understood all of the Hindi. Yes, yes, she understood all of the Hindi. I understood. She got it and she actually put it, she was 100% right. Yes, they yes, bilkul, bilkul sahi. The future best players yes, of, yes. This, of this game. If this game wants to continue, you have to incorporate people of that, those town halls. Yes. तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जैसा कि आपने कहा कुछ लोगों के समझ में आया होगा, कुछों की हिंदी इंग्लिश थोड़ी कमजोर रही होगी, तो एक बार मैं जरा ट्रांसलेट कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि टाउन हॉल 13 के ऑलरेडी टूर्नामेंट होते हैं जो सुपर सेल भी कराता है, वेरियस लोग भी कराते हैं, अलग अलग ग्रुप्स भी कराते हैं, लेकिन जो छोटे टाउन हॉल के टूर्नामेंट है उनके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में फ्यूचर वही है सीओसी का, क्योंकि जो टाउन हॉल 9 है, 10 है, 11 है, वही एक दिन जाकर टाउन हॉल 13 बाई मैक्स होगा, तो उन लोगों को भी एंगेज करना बहुत जरूरी है। इसलिए वो छोटे टाउन हॉल के टूर्नामेंट की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई हर एक जो सेक्टर के जैसे टाउन हॉल 9 है, 10 है, 11, 12 उन सबको भी भाई खेलने का उतना ही मौका मिले जितना टाउन हॉल 13 को मिल रहा है। इसी सबको सोचते हुए उन्होंने स्टेफनी कप का शुभ आरंभ किया गया और उसमें भाई देखो सभी लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। और बार बार फिर बंदे एक सवाल और पूछते हैं, भाई इसमें रजिस्टर कैसे करें? इसमें रजिस्टर करना है तो आपको दो जगह पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, या तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मिस्टर एंड मिसेज मुस्तफा इंस्टाग्राम अकाउंट को, या फिर फॉलो करो यूडीजी स्पोर्ट्स को, या फिर फॉलो करो भारत फैमिली को, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर भी मिस्टर एंड मिसेज मुस्तफा का भी, ठीक है। वहां पे आपको सारी ही अनाउंसमेंट देखने को मिलती रहेंगी रिगार्डिंग द टूर्नामेंट्स, और आप वहां से आसानी से अपनी टीम को लेकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। Tournaments, but there is also a bigger tournament coming up, and we can talk about it because it's a huge thing. But when we go to our channel and स्टेफनी मैडम, भाई साहब ये बोल रही हैं कुछों के समझ में आया होगा, कुछों के बुद्धिजीवियों के समझ में नहीं आया होगा, तो भाई साहब उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो स्टेफनी मैडम ये कह रही है कि ये सब तो छोटे टूर्नामेंट हैं, एक बहुत बड़े 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 के कुछ तो बड़ा हम प्लान कर रहे हैं, बट उसके बारे में हम आपको हिंट दे सकते हैं, बता नहीं सकते। उसके बारे में जानना है तो मिस्टर एंड मिसेज मुस्तफा चैनल पे पहुंच जाओ भाई, ठीक है, वहां पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ठीक है सुमित, फिलहाल अभी चलते हैं सीधा टैक्स की तरफ। तो सुमित भाई साहब के ऊपर 3 स्टार का झटका वापिस से लगा, जैसा कि पहले चैलेंज में लगा था। मुझे तो लग रहा है सुमित का भैया रिमांड डे है, सुमित आ रहा है पिट रहा है। अब सुमित भाई देखो बदला भी ले रहा है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि सुमित अपना बदला वापस से ले पाएगा या नहीं। एकदम कंसंट्रेशन से भाई देखो, डॉक्टर साहब भी बिल्कुल घूर के देख रहे हैं स्क्रीन को, स्टेफनी मैडम भी अपने बेस को घूर रही हैं, इधर सुमित अपने अटैक को देख रहा है, बुढ़ारा पूरे बेस को घूर रहा है, अरे तुम्हारा भाई ले रहा है लहर कमेंट्री की, ठीक है। फिलहाल देखते हैं सुमित भाई साहब क्या उखाड़ पाएंगे इस बेस पे।
वापस से सेम आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं सुपर आर्चर से। भाई एकदम प्यार हो गया सुमित को, मतलब एकदम दिल में बसा लिया सुपर आर्चर को। सुमित का मन ही नहीं करता सुपर आर्चर को छोड़ के जाने का, जैसे होग राइडर से सुमित ने प्यार करा था ना, अभी सुमित का भाई प्यार चेंज होके सुपर आर्चर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो वापस से सुपर आर्चर के साथ अटैक कर रहे हैं सुमित भाई साहब, और वार्डन वॉक का इस्तेमाल किया गया है दोबारा से, और सुपर आर्चर से फिर से फनल बनाई जा रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखने वाली बात होगी कि कितना फनल बना पाएंगे, क्या अपना बदला ले पाएंगे, क्या ये दूध का कर्ज चुका पाएंगे। What? आइए देखते हैं हम और आप साथ साथ। ओके, इस बार बैटल बिलिम का इस्तेमाल किया टाउनल को टेक डाउन करने के लिए। मैं होप करता हूं कि यहां पे टोर्नेडो ना आ जाए भाई, गलती से जीवन खराब हो जाएगा अगर टोर्नेडो आ गया। बहुत ही बढ़िया, फ्रिज का इस्तेमाल भी किया गया, चलो जी बहुत बढ़िया, टाउनल टेक डाउन कर दिया गया। लेकिन अभी स्कैटर शॉट, दो दस स्कैटर शॉट बचे हुए, मल्टी टारगेट इन्फर्नो बचे हुए, और इन्होंने जो इस्तेमाल किया गया है स्पेल्स का, वो स्पेल्स इन्होंने यूज करी है। कौन सी स्पेल यूज करी है इन्होंने? स्पेल यूज करी है ये वाली, उड़ने वाली, उड़न खटोला स्पेल्स। लेकिन यहाँ पे लावा भी निकल के आ गया जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने का काम कर रहा है, और मल्टी टारगेट इन्फर्नो अभी तक बचा हुआ है, तो स्पेल्स का अभी डिप्लॉयमेंट करना काफी खतरनाक हो सकता है जब तक मल्टी टारगेट इन्फर्नो टेक डाउन ना हो जाए। और मल्टी टारगेट इन्फर्नो को टेक डाउन करने के लिए अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्लान है सुमित भाई साहब का, या सीधा वहां पे यही डाल देंगे क्या? क्या कहते हैं सुमित इनको, आपकी उड़ने वाली स्पेल डालने वाले हो क्या आप टाउनल पे? खैर जो भी डालने वाले हम देखेंगे, सुमित के मन में जो भी प्लान चल रहा है फिलहाल मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और डाल दिया भाई, वहीं पे डाली है। अगर इसको बच जाती है किसी तरह से स्पेल्स यहां से बच जाते तो यकीन नहीं है बेस्ट तीन स्टार होने के चांसेस हैं बिल्कुल सुमित। लेकिन ओ भाई, ओ ओ मुझे लग रहा है बेस्ट तीन स्टार हो जाएगा, रगड़ तगड़ के जैसे मर्जी, रगड़ तगड़ के नहीं भाई, ओपी तरीके से हो रहा है। क्वीन भी बची हुई है, वार्डन भी बचा हुआ है, एक एटी भी बचा हुआ है, और स्टेफनी मैडम तीन स्टार खाने के बाद भी हंस रही है, डॉक्टर साहब खांसी कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त शानदार। साहब तीन स्टार का जवाब तीन स्टार से, क्या आप तैयार हैं अगले बैटल के लिए जो मेरे और आपके बीच में होने वाला है? कोई रिएक्शन ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि उनको पता है वो लोग क्या करने वाले। लेट्स सी अभी अगले चैलेंज में क्या होता है। अभी यहाँ पे चैलेंज होने वाला है, डॉक्टर साहब अटैक करेंगे मोगी भाई के ऊपर। तो भाई साहब पहला अटैक तीन स्टार का झटका दिया सुमित भाई साहब ने भी, और उधर से स्टेफनी मैडम ने भी। तो अभी फिलहाल आ गए हैं डॉक्टर साहब हमारे बेस के ऊपर अटैक करने, और लेके आए हैं हाइब्रिड आर्मी। भाई हाइब्रिड आर्मी के फैन है ये, और काफी खतरनाक तरीके से अटैक इन्होंने चालू करा, सीधा चार एक्सपो कंपार्टमेंट यानी कि सीधा टाउन हॉल की तरफ से आ रहे हैं, जहां पे चार चार एक्सपो के ऊपर लॉक होने के पूरे चांसेस हैं, और क्वीन को भाई स्ट्रगल करना पड़ सकता है यहां पे जैसे टाउन हॉल एक्टिवेट होगा। क्या लगता है सुमित आपको? मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी कहीं ना कहीं खोने की संभावना है, क्योंकि नहीं फ्रिज स्पेल बिल्कुल सही जगह पे इन्होंने डिप्लॉय कर दिया, बहुत सारे कोकोनट्स भी डाल दिए थे जिससे कि जो सिकिंग एयर माइंस है वो ट्रिगर हो गए थे मोगी भाई। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बलून्स का प्लेसमेंट किया गया, और डॉक्टर साहब के एक बार वो देखो कंसंट्रेशन, और ऊपर आप अटैक छोड़ो आप ऊपर कंसंट्रेशन देखो डॉक्टर साहब एकदम फुल कंसंट्रेशन चल रही है भाई, पल के नीचे पकड़ी यार, हमारे दिमाग में टेंशन बढ़ रही है अटैक कैसे फेल होंगे भैया इनके अटैक फेल कराओ किलस के। यहाँ पे भी होने वाला है प्रॉब्लम हीलर्स को, क्योंकि मल्टी इन्फर्नो लॉक हो चुका है हीलर्स के ऊपर, एसपी डिप्लॉय कर दिया इन्होंने। बार्बेरियन को क्यों डिप्लॉय नहीं कर रहे? मेरे हिसाब से ईगल कंपार्टमेंट में डालने, नहीं डिप्लॉय कर दिया बार्बेरियन किंग को भी, पीछे से सारे के सारे ट्रूप्स आ चुके हैं। ये अटैक फेल होने वाला है सुमित, ये अटैक फेल रहेगा सुमित, ये अटैक फेल होगा, पता नहीं ये फेल होगा कि नहीं, लेकिन स्टिल अभी भी अच्छा खासा जा रहा है इनका अटैक, ये अटैक फेल होना चाहिए सुमित। हाँ बिल्कुल फेल, तो मैं भी चाहता हूँ कि फेल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये फेल हो सकता है। एक हीलर से सर्वाइव कर रही है यार, क्या बदतमीजी है ये, एक हीलर ने जिंदा रखा हुआ है क्वीन को, एक हीलर मरने नहीं दे रही क्वीन को,
आरसी और क्वीन दोनों के पास एबिलिटी है भाई, ट्रूप्स भी बहुत सारे बचे हुए हैं यार। ब्रो ब्रो भाई खत्म ही है, खत्म है, खत्म। हां मूड खराब, बाय बाय, मूड मूड खराब कर दिया भाई। तो बात करता हूं भाई साहब, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, खुजली कर कर अटैक कर रहे हो क्या? ही नेक्स्ट लेवल का अटैक किया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब लाइक, अरे अरे गया 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 गया, अरे भैया ओपी, तीन स्टार का झटका, अंग अंग फड़का यार, ये ऐसे ऐसे कर रहे हो यार, तू मेरे साथ दूर बैठा, तू भी ऐसे ऐसे कर मेरे साथ, ये लो आप नीचे, आप ऊपर करो, मैं नीचे करता हूं, ऐसे ऐसे कर, हां ऐसे ऐसे कर, तू भी मेरे साथ। मूड खराब कर दिया इन्होंने यार। ओहो भाई साहब, ओहो साजिद भाई का बेस दे दिया है तो। तीन तीन सिंगल टारगेट इन फर्नो, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब, डॉक्टर साहब ने बेस दे दिया है हमको ये, और तीन स्टार का रैपट बहुत कड़ा खींच के मारा था भाई, दर्द अभी तक हो रहा है, गलती से अटैक ना फेल हो जाए भाई, दिल में बड़ी धुकड़ धुकड़ सी हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लेंगे एक एक को चुन चुन के देखेंगे, चलते हैं अटैक की तरफ, और पटक पटक के मारेंगे मोगी भाई इस बेस को। ओके रबो बेटे, मौज करनी है मोगी दादा आज, मौज कर दी। ओके सेम आर्मी के साथ मोगी भाई आ चुके हैं, आर्मी क्योंकि उसमें सिंगल टारगेट इन्फर्नो का जाल फैला हुआ है पूरे बेस पे, तो एडवांटेज है, और दो एक्सपोज ग्राउंड भी नजर आ रहे हैं मेरे को, तो एडवांटेज भैया, बेबी ड्रैगन उतारते के साथ ही सीन हो गया। ओ कोई दिक्कत नहीं, कोई टेस्लास ने पकड़ लिया, हां पूरा पकड़ लिया बेबी का। ओके हीरोज के साथ फनल एंड स्टार्टेड ओपी, चलो क्वीन घूम चुकी है, मुढ़ेरा डाल दिया पीछे से ब्लिम्प एंड ओ माय गॉड, यहाँ पे ब्लिम्प को दिक्कत आ सकती है क्या? नहीं आएगी, डोंट वरी। ओ ओके ओके ओके, सक्सेसफुली ब्लिम्प पहुंच चुका है एंड टाउन हॉल भी टेक डाउन हो चुका है, चलो अच्छी बात है। सारे के सारे बलून्स एंड बेबी इन्फर्नो लिया था आपने सीसी के अंदर, नाइस, बिल्कुल सुमित। स्टिल आपके पास यहाँ पे अच्छे खासे स्पेल्स बचे हुए हैं, आरसी बची हुई है, तो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मोगी भाई ये नहीं 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 रोक सकता इस बेस को कोई भी, अभी थ्री स्टार होने से नहीं रुक सकता, अभी थोड़ी सी दिक्कत है। ओके अभी भी एक स्केलेटन है आपके पास, ओ स्केलेटन थोड़ा गलत डाल दिया आपने, नहीं नहीं ठीक, तो आपको डालना पड़ा, बस एक बार ये आरसी का टेक डाउन होना जरूरी है, आरसी टेक डाउन हो गई है, बाहर की तरफ देखो ना मेरे इन्फर्नो ड्रैगन बचे हुए काफी सारे, हां ये तीन इन चार इन्फर्नो ड्रैगन सभी बचे हुए हैं, क्वीन एबिलिटी में है, जाने वाला सुमित अटैक, यप, ओ माय गॉड, यहां पे दिक्कत आ सकती है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सुमित काफी खतरे में लग रहा है ये अटैक मुझे। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, होगी भाई ये क्या हो गया, बड़ा क्या हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मोगी भाई का ये वाला जो अटैक था ये हो चुका है 89%, ओके कोई दिक्कत नहीं है मोगी भाई, अभी भी हमारे पास आखिरी वाला राउंड है, सो हम लोग वापस कम बैक कर सकते हैं आखिर वाले राउंड में, 89% नॉट अ बिग डील। हम लोग, हमारे पास एक और चैलेंज है मोगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, मुश्ताफा साहब भी है, स्टेफनी मैम भी है, अगला राउंड भी होने वाला है, मेरी आरसी ने भैया साथ ना दिया भैया, बेबी ड्रैगन बाहर भाग गए, बड़ा दुख हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ कुछ खा खा के चिढ़ा रहे हैं हमें ऊपर से भाई, मूड खराब हो रहा है, 89% में हमारा अटैक खराब हो गया, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक चैलेंज अभी बाकी, डॉक्टर साहब आपको मैं अमेरिकन बंटी बेचता हूँ, वो M&M कहते हैं, पर फिलहाल देखो यहाँ पे चाहे हमारा अटैक फेल हो गया हो, अभी यहाँ से एक चैलेंज और बाकी है, जो कि यहाँ पे अभी फाइनल डिसाइडिंग राउंड बाकी है, जो कि डिसाइडिंग राउंड होने वाला है डॉक्टर मुस्तफा नाम के चैनल पे, मिस्टर एंड मिसेस मुस्तफा नाम के चैनल पे, वहां पे सेम, क्या पता भाई साहब इनका भी कोई एक अटैक फेल हो जाए और हम धुम्मा उठा दे मार्केट में, कुछ नहीं पता भाई आगे देखने को क्या मिलेगा, पर जो भी देखने को मिलेगा भाई धुम्मा तो जरूर उठेगा, बिल्कुल। तो चलो चलते हैं मिस्टर एंड मिसेस मुस्तफा यूट्यूब चैनल के ऊपर, मोगी भाई क्या कर रहे हो आप? अरे मेरा भाई ये गिर गया, फोन बच गया, अभी टूट जाता, बर्बाद हो जाता मैं अभी। मम्मी मम्मी गेट बंद कर दो भैया, ना रोटी नहीं खानी, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरी मम्मी परेशान कर रही है डॉक्टर साहब। ओके माय मॉम इज सेइंग यू आर नॉट हंग्री, व्हाई आर नॉट ईटिंग, इट्स डिनर टाइम, इट्स लंच टाइम, व्हाट आर यू डूइंग मैन, आई एम सेइंग दैट आई एम सो क्राइंग, डॉक्टर मुस्तफा इज फेलिंग मी, ओ भाई साहब,
फेलिंग मी इसको सारे इसको गलती से बदल लिया है तेरे गुत्ती बना ओके कोई दिक्कत नहीं है दिल में भाई एकदम दुख चल रहा है मुझे और डॉक्टर भाई के मुंह में कुछ कुछ चल रहा है खाए जा रहे यार हमारा मूड खराब हुआ जा रहा है इधर हार के बैठे हंस भी रहे और मूड खराब हो रहा है मेरा इनको हंसी देख के भाई एक अटैक फेल हो गया है लीड खराब हो गई है हमारी लेकिन अभी एक अभी फाइनल राउंड बचा हुआ है जो कि होने वाला मिस्टर एंड मिसेस मुस्तफा चैनल पे और भाई वहां पे यकीनन बदला लिया जाएगा बिल्कुल ऐसे भाई जाट हमारा तब तक मत जानियो जब तक तेरवी ना हो जाए तो आ जाओ एकदम मिस्टर एंड मिसेस मुस्तफा चैनल पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और भाई देखो इस चैलेंज को अभी हम ऐसे जाने नहीं देंगे आज से सुमित बिल्कुल तो चलो अभी हम लोग चलने वाले हैं आखिरी राउंड में एंड अगर आप लोग वीडियो पसंद आई ये चैलेंज आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाके किया है तो लाइक 40-50 हजार लाइक आ जाने चाहिए भाई कर दो यार क्या हो गया कुछ बात नहीं कोई बिल्कुल मेरे हिसाब से आ जाएंगे मोगी भाई इस वीडियो पे क्योंकि लोगों को मजा आ रहा है बहुत ज्यादा एंड हम लोग करना ही क्या है लोगों को मजा ही तो दिलाना है तो चलो अभी और मजे लेते हैं हम लोग मिस्टर एंड मिसेस मुस्तफा यूट्यूब चैनल के ऊपर लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चलो लास्ट वाला राउंड हम लोग देखेंगे उस चैनल के ऊपर लेट्स गो लेट्स गो